हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू शाम यूनियन से बात यूनियन से आज जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है फेयर विजन का और कुछ पेनल्टियाँ ले रहे हैं जो आरटीओ ऑफिस में और यूटी का जो हमारा पर्सनल टैक्स है, ये दो तीन मसले हैं। क्योंकि 2018 में हमारी जो रिवीजन हुई थी, 2018 में हमारी जो रिवीजन हुई थी उसके बाद हमारी कोई रिवीजन नहीं हुई है। 2018 में हमारी जो रिवीजन हुई उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुई। हमारा उस वक्त 62 रुपीज जो डीजल का रेट था, मगर आज 76 रुपये है। हमारा इतना गैप पड़ गया, लुब्रिकेशन में गैप है, हमारा स्पेयर पार्ट हर चीज़ में महंगाई है। ड्राइवर कंडक्टर ने, क्यों हमने, हम लोगों ने भी बच्चे पढ़ाने हैं, सब कुछ करना है। हम अपनी गाड़ी चला के अपना घर का जो चूल्हा भी नहीं जला सकते कि आज ये पोजीशन आ गई है हमारी कि हम गाड़ी चलाने के हक में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। नंबर दो, जो आपको मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे के जो इन्होंने दी थी हमको गाइडलाइन की 31 मार्च 2021 तक जो पेनल्टी किसी भी डॉक्यूमेंट में रिलेटिव, जो लाइसेंस है, आरसी है, परमिट है, कोई भी इसकी जो डॉक्यूमेंट की पेनल्टी नहीं। मगर जब आरटीओ ऑफिस हमारे लोग जाते हैं तो उधर पेनल्टी दी जा रही है, इसको भी बेवाफ किया जाए। पैसेंजर टैक्स का मसला है, ड्यूटी में किसी भी ड्यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं है, इसको बेवाफ किया जाए। और हमारा ये प्रोटेस्ट जो जारी है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे भी जारी रहेगा। हाँ, हमारी 2:30 बजे हमारी मीटिंग है वजीर साहब से, जब उनकी आगे क्या दिशा निर्देश मिलता है तो उसके बाद हम आपको बताएंगे।